पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार। वेस्टमिंस्टर अदालत ने 29 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा। एनआईए की विशेष अदालत ने समझौता ट्रेन धमाके केस के सभी चार आरोपियों असीम आनंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को बरी किया। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त औरंगाबाद में मैनहोल में पानी की तलाश में उतरे चार किसानों की जहरीली गैस से मौत, एक अस्पताल में भर्ती, एक लापता। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साबित किया बहुमत, 20 विधायकों ने समर्थन किया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ, फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी से बीजेपी की शिकायत की, कहा सबरीमाला मंदिर के नाम पर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश हुई। मणिपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी आपकी संस्कृति को बचाएगी, नागरिकता संशोधन बिल पास नहीं होने देंगे। जेट एयरवेज पर संकट गहराने के बाद केंद्र सरकार उसे बचाने की तैयारी में जुटी, सरकारी बैंकों से कहा जेट एयरवेज को दिवालिया होने से बचाएं। पायलट बोले सैलरी पर स्थिति साफ नहीं हुई तो 1 अप्रैल से जहाज नहीं उड़ाएंगे। और दिल्ली में फिर नस्ली हमला, द्वारका इलाके में भीड़ ने अफ्रीकी नागरिक की पिटाई की।